नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित खजूरिया। इस वक्त मैं नारायणनगर में खड़ा हूं। यहां पर आप देख रहे हैं स्टार पूल एंड स्नूकर। यहां पे इस स्नूकर खेला जाता है, लेकिन ये जो यहां पे दुनिया, ये जो भीड़ यहां पे इकट्ठी हुई है, इस कारण हुई है कि एक युवक जो है उसने सुसाइड कर ली। कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो स्नूकर खेलने आता था और यहाँ पर जुआ खेला जाता उसकी आड़ में, जिस कारण उस पर काफ़ी उधार हो गया था। और उस उधार से बचने के लिए, ऐसा इन लोगों का कहना है कि उस उधार से बचने के लिए उस युवा ने सुसाइड कर लिया। आप देख सकते हैं कि ये लोग यहाँ पर हैं और जो स्नूकर यहाँ पर खेला जाता उसका यहाँ पे विरोध किया जा रहा है, और इस स्नूकर के मालिक को उस युवक की सुसाइड के लिए आरोपी माना जा रहा है। यहाँ पर हम बात करेंगे, सर बताइए कि क्या यहाँ पे क्या होता था? क्या पता नहीं, ये बोले कि और जो सर नशा वगैरह करते थे यहाँ पे। सर क्या बताइए, पूरा मामला क्या सर? यहाँ पे क्या है, ये भीड़ क्यों इकट्ठी हुई है? भीड़ यार, बच्चे की डेथ हुई है यहाँ पे। ये पूल चलाते हैं, यहाँ पे जुआ चलता है, काफ़ी देर से जुआ चलता है, नशा चलता है और ये बच्चों को मतलब गलत तरीके से ये चलाते हैं, उनको पैसे देते हैं उधार में। पहले उसको खिलाते हैं, बाद में जब खेल जाता है बच्चा तो हार जाता है तो उसको फिर पैसे देते हैं, अगर पैसे नहीं तो थ्रेड देते हैं। इसी वजह से बच्चा चला गया घर से और उसने सुसाइड कर लिया जाके वहाँ। मतलब वो भी यहाँ पे खेलता था? पता नहीं खेलता बच्चा, ऐसा नहीं था, पता नहीं खेलता या नहीं खेलता, क्या चक्कर, अभी तो ये पुलिस को पता होगा सारा। तो क्या पुलिस को इस बारे में अभी आपने कोई इतला की है? पुलिस को इतला की है, कल से की है, पहले उसकी रिपोर्ट लगवाई थी मिसिंग की। मैं आपको दिखा दूं कि यही वो यहाँ पे खेला जाता था पूल, यहाँ पे खिलाया जाता है। इनका आरोप है कि यहाँ पर पूल की आड़ में जुआ खिलाया जाता है, नशे को बढ़ावा दिया जाता है, और ये बच्चा भी यहाँ पे आता था और यहाँ पे खेलता था। और दूसरी बात ये है कि ये एक बहुत ही एक संयोजित तरीके से यहाँ पर इस जुए को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले ये जुआ खिलाते हैं, अगर उसके पास पैसा खत्म हो जाए फिर अपने से ये पैसा देते हैं, और फिर उसके बाद जब वो पैसा देने की, जब पैसा दे देता है और जब ज़्यादा उधार हो जाता है, फिर उस पर प्रेशर बनाया जाता है कि जो रकम हमने आपको दी थी उसे वापस किया जाए। सवाल पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उठता है कि पुलिस की यहाँ से कितनी गाड़ियाँ आती हैं जाती हैं यहाँ पर, और पुलिस स्टेशन भी यहाँ से कोई 2.5-3 किलोमीटर दूर ही होगा, लेकिन आज तक पुलिस को कानो कान भनक तक नहीं लगी कि स्नूकर की आड़ में यहाँ पर नशे और जुए को बढ़ावा दिया जा रहा है। और उसका नतीजा ये हुआ कि एक युवक ने आत्महत्या कर ली और परिजन जो हैं वो दुखी हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और उनके परिवार के हमने सदस्यों से बात नहीं की क्योंकि माहौल जो है वो गमगीन है, लेकिन यहाँ पे जो यहाँ के लोग जो रहते हैं, क्या कब से खेला जा रहा है यहाँ पर ये जुआ? सर ये कोई लगभग कोई 5-6 साल हो गए हैं चल रहा है ये काम। कभी यहाँ के लोगों ने कभी शिकायत नहीं की, कभी पुलिस में कभी कंप्लेंट नहीं की क्या? शिकायत तो की थी हमने एक बारी पहले, तो फिर भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी बाद में चलता रहा। काम तो लड़कियों का निकलना मुश्किल है। हाँ, हमारा खुद का यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, लड़कियाँ यहाँ आती हैं, यहाँ तो डर लगा रहता है लड़कियों को, लड़का हाथ ना खींच ले अंदर, और पुलिस को सब पता है यहाँ पर। आप लड़कियों की बात कर रहे हो, यहाँ से 40-45 साल की लड़की औरत नहीं यहाँ से सेफ होकर निकल सकती। साथ में स्कूल है, साथ में मंदिर है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, आगे करियाना की शॉप है, ये रेजिडेंशियल एरिया है, और पुलिस की नज़र में ये सब कुछ हो रहा है। एसएचओ साहब यहाँ कब से खेला जा रहा है यहाँ पे, ये कब से खुला और कब से? लास्ट 2-3 ईयर से नहीं ज़्यादा, 5 साल ये चल रहा है। पहले यहाँ ब्यूटी पार्लर था, फिर यहाँ पे शॉप खुली बार्बर की, यह सिर्फ ड्रग्स का अड्डा और कुछ नहीं है यहाँ पर, सिर्फ ये ड्रग्स का अड्डा है, यहाँ धंधा होता है, और यहाँ तो सिर्फ पूल खेला जा रहा है, पूल के नाम पर सिर्फ नशा चल रहा है, पूल का तो सिर्फ नाम है। और दूसरा सवाल ये भी है कि आप अपने घर में इस तरह की कमर्शियल एक्टिविटीज़ को, मतलब कि इस तरह के जो अगर अड्डे खोले जा रहे हैं स्नूकर, किस तरह से आप बढ़ावा दे सकते हैं? क्या ये इस प्रावधान में है कि आप अपने घर में स्नूकर या पूल यहाँ पे लगा दें और कमर्शियल एक्टिविटीज़ को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया? ये भी एक सवाल। दूसरा ये है कि अगर यहाँ पे जुआ खेला जा रहा है या फिर नशे को बढ़ावा दिया जा रहा है तो पुलिस को अभी तक भनक क्यों नहीं लगी? यहाँ स्थानीय लोगों की भी अगर बात की जाए तो उनका भी ये कहना है कि 2-3 मरतबा उनको शिकायत की गई लेकिन पुलिस ने कोई किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते हैं, लेकिन लोगों को भी थोड़ा सा अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि अगर आपके मोहल्ले में या आपके आसपास इस तरह के जुए के अड्डे अगर खोले जा रहे हैं, जो इनका आरोप है कि स्नूकर की आड़ या पूल की आड़ में यहाँ पर जुए को बढ़ावा दिया जा रहा था, तो
लोगों को भी थोड़ा सतर्क होना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी समझकर तुरंत यहाँ तो उसे बंद कराने की कोशिश है या पुलिस का सहारा लेकर इसे बंद करवाना चाहिए। लेकिन फिर मैं एक बात कहूँगा कि जम्मू में नशा और जुआ ये दो चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि लगातार सुनने को आ रहा है कि नशे की आड़ में भी बच्चे कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी खो रहे हैं और जुए की आड़ में भी अपनी ज़िंदगी को गंवा रहे हैं, जिसका एक नतीजा यहाँ पर देखने को मिला कि एक युवा ने ये यहाँ पर एम्बुलेंस जो लगी है यहाँ पे उसकी बॉडी है उस युवक की, तो वो यहाँ पे हम और लोगों से बात करेंगे। सर मतलब आप आगे आइए ना, अब तक इतना कुछ हुआ, आपको क्या लगता है सर? मैं बाहर से आया हूँ सर, इसके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। ये बता रहे हैं कि जहाँ पर ये अड्डा ही नशा चलता है और बच्चों को जबरदस्ती उसके ऊपर जो तोहमत है थोपी जाती है, तो इसलिए बच्चों को ज़्यादा गुमराह करने के बजाय उनको अंदर करके कोई भी, जैसे हम लोग को सुनने को आ रहा है कि जो भी आता जाता है कि कोई भी लड़की आती है तो उसको अंदर खींचने का भी डर रहता है कि पता नहीं कब है, जैसे पूरा छेड़छाड़ कर डालें, और जबकि रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ तक ऐसा सवाल होना नहीं चाहिए, तो पुलिस को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए था और उन्होंने ऐसा किया है। तो अभी नौजवान बच्चा और यहाँ पर पुलिस मौके पर पहुँच चुकी है। जी सर क्या कहेंगे? ऐसा कुछ गंदे एलिमेंट्स इस मोहल्ले में आते हैं बाहर से, नशे की आइटम्स लाते हैं, बच्चों को देते हैं, फिर बच्चों को पूल, यहाँ ये पूल का मालिक है, बच्चों को पूल खिलाता है, उसके बाद ये बच्चों को कुछ कैश पैसे देते हैं खेलने के लिए, जब पैसे हार जाता है बच्चा उसके बाद उसे हरास किया जाता है। मेरे को इस टाइप का केस लगता है इस बच्चे का। बच्चा पढ़ने वाला था, इंटेलिजेंट था, बड़ा कितनी कितनी उम्र थी? 20 ईयर्स ओनली 20, पोजीशन होल्डर बच्चा था, ऐसा लगता नहीं था ये चीज़ कर जाए। वो हरास हो गया, वहीं घर से भागा और वो वहाँ जाके सुसाइड कर गया, या कुछ भी किया, जो भी हुआ उसको ऐसे हुआ। बच्चा वैसे है नहीं था मरने वाला, हमारे हाथों में पला था बच्चा। वो ये सिर्फ पुल की वजह, जो यहाँ पुल की वजह बनी है ना, मेन पुल की वजह है, एक बच्चा तो गया, अब हम चाहते हैं ये पुल परमानेंट बंद हो। सर क्या क्या मतलब ऐसा है कि यहाँ पे मतलब घरों में पुल खोलने की इजाज़त देनी चाहिए? जान तो पुलिस प्रशासन जान सकता है इसके बारे में ज़्यादा, शायद इनसे पैसे ले जाते हों, SHO साहब से कोई सेटिंग हो, जहाँ पुलिस से सेटिंग हो, वो पैसे लेते हों, इसीलिए पुल का मोहल्लों में लाइसेंस नहीं होता, पुल का मोहल्लों में लाइसेंस नहीं होता, तो ये तो हमें पता है। अब कैसे खुलते हैं, कैसे प्रशासन, कोई कहता है जिनकी ASI से वाकफियत थी वो कहता था करो काम खोला, कोई बात नहीं। मैं जब भी ऐसे बच्चे बात कर रहे हैं, लेडीज़ बात कर रही हैं, वो भी लगता है ऐसा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन इंडिया, आप तो जानते हो इन चीज़ों के बारे में। लेकिन सर दूसरा सवाल, हमारी 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 जिम्मेदारी भी तो बनती है ना एक सामाजिक, कि लोगों ने कभी इसकी शिकायत नहीं की। राइट, वो बढ़िया है, मोहल्ले वाले, हम भी शेमफुल हैं इसके लिए, हमें भी शर्म है इस बात के लिए, हमने कभी शिकायत नहीं की। आज इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद हम जागे हैं आज, ठीक है। अब एक हादसा हो गया, उसके बाद हम जागे हैं, अब कोई और हादसा ना हो, इसलिए ये चीज़ आपको भी आगे मीडिया से आगे करनी है कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। ये नहीं एक पुल बंद होना चाहिए, एक पुल मोहल्लों में जितने भी हैं। मैं ये वो लड़का है जो मतलब जिन यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये यहाँ पे पुल खेलने आता था और जब इस पर ज़्यादा उधार हो गया तो इसने अपनी जीवन लीला यहाँ पे समाप्त कर ली। और दूसरा ये कि यहाँ से घर से वो गायब हो गया था, कब गायब हुआ था कुछ पता है? 13 को लोड़ी वाले, तो पता कब चला सर? 16 को फ्लैश आई ना वो टीवी में, तो बच्चों को इनको घर वालों, ये तो अपना बच्चा है। अच्छा तो अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो एक्टिविटीज़ दूसरे मोहल्लों में या दूसरे शहरों में, यानी कि अगर हम बात करें जम्मू की पूरी बात करें तो जम्मू के कई ऐसे मोहल्लों में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, यहाँ पे स्नूकर पूल्स वगैरह यहाँ पे खोले जाते हैं और पुलिस के नाक तले सब कुछ ये होता है, और पुलिस कार्रवाई करने में अपनी कार्यशैली में उसके सवाल उठते हैं, और कार्रवाई करने में कहीं ना कहीं ये भी सवाल उठते हैं कि वक्त रहते अगर ये कार्रवाई की होती, अगर इस तरह के पूल्स या स्नूकर्स यहाँ पे बंद किए होते तो शायद ये हादसा नहीं होता। तो वहीं लोगों की भी एक जिम्मेदारी उठती है, नैतिकता जिम्मेदारी उठती है कि अगर आपके मोहल्ले में या आपके एरिया में इस तरह की कोई गलत एक्टिविटीज़ होती है तो आप तुरंत पुलिस को इत्तला कीजिए और ऐसे जो पूल्स वगैरह खुले हुए हैं उस पर बंद करवाने के लिए पुलिस को सहारा लीजिए। और दूसरा सवाल अब मैं ये भी उठा रहा हूँ पुलिस पे कि क्या इस हादसे से ये पुलिस सबक सीखेगी और जो बिना लाइसेंस के या फिर जो मोहल्ले में खोले गए हैं, घरों में जो खोले गए हैं, उस पर इस तरह के पूल जो खोले गए हैं उसको बंद कराने के लिए क्या पुलिस कोई सख्त एक्शन उठाएगी? फिलहाल मैं आपको ये बता दूँ कि एक युवा, छोटा सा 20 साल का एक बच्चा जो उसने सुसाइड कर लिया,
यहाँ पे वो खेलता था, पैसे का ज़्यादा उधार चढ़ गया था, जिस कारण वो डर के मारे उसने सुसाइड कर ली। लेकिन ये सबक है उन लोगों के लिए भी जो अपने बच्चों की जो गतिविधियाँ हैं उन पर नज़र नहीं रखते। ये सबक है उस मोहल्ले के लिए भी जो मोहल्ले के लोग ये जानते हुए कि यहाँ पर गलत एक्टिविटीज़ हो रही हैं फिर भी उन्होंने पुलिस को इत्तला नहीं दी। ये सबक है हमारे समाज के लिए भी कि हमें अब कहीं ना कहीं सतर्क होना पड़ेगा, और अगर कोई भी ऐसी गतिविधि देखने को मिलती है कि जो गलत है, जो समाज के लिए गलत है, जो युवाओं को बिगाड़ रही है, जो युवाओं को नशे की ओर या फिर जुए की ओर बढ़ावा दे रही है, उस पर पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस को इत्तला कीजिए। फिलहाल अब देखना ही है कि पुलिस इस हादसे को लेकर या इस जो वाक्य हुआ है और जिसने ये स्नूकर खोला उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। ललित खजूरिया, न्यूज़ प्राइम पॉइंट के लिए।